हाय गाइस, क्या हाल चाल, और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट ईयरफोन्स जो कि आपको 300 रुपीज़ के अंदर जो देखने को मिल जाते हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको 300 रुपीज़ तक के ईयरफोन्स के बारे में बताया था, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हो। उसमें हमने जो है हमारे दो ईयरफोन्स का जो है गिव अवे भी किया है, और अगर अभी तक के आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, आई बटन पर आपको जो उसका लिंक जो देखने को मिल जाएगा। बाय द वे, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर वापस। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं बोट के नेचर साउंड्स वाले ईयरफोन्स जो कि आपको 300 रुपीज़ के अंदर जो देखने को मिल जाते हैं, और इनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ग्रेट है। और ये जो है बेसिकली ऑफलाइन मार्केट के लिए जो देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको बेसिकली बोट की कंपनी की तरफ से तो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इनकी साउंड क्वालिटी, इनका जो केबल का जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। आइए इनके बारे में जानते हैं, पूरा रिव्यू करेंगे, पूरे डिटेल में इनके बारे में जो बात करेंगे साउंड की और हर एक चीज़ की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बोट के नेचर साउंड वाले जो है ओरिजिनल ईयरफोन्स आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाते हैं, जिसकी कॉस्ट केवल और केवल 300 रुपये है। हालांकि कहीं कहीं जगह पे आपको ये 350 रुपये के भी जो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसकी जो मेन प्राइस है वो 300 रुपये के लगभग ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और इनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, मैंने इनका साउंड का जो है सुन के भी देखा, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल्स में जो है बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के जो ईयरफोन देखने को मिलते हैं जो कि बोट की तरफ से आते हैं, और ये जो है ओनली जो ऑफलाइन मार्केट के लिए जो कंपनी ने स्पेशली निकाले, जो कि आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको बोट का साउंड सॉफ्ट नेचर बेस हेड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर पीछे कुछ चीज़ें भी बताई गई है, यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलता है जो कि कंपनी के बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको इसमें वारंटी भी वैसे मिल जाती है 1 ईयर की, हालांकि कोई देता है नहीं, मुझे भी पता है कि यहाँ पर आपको इसकी 1 साल कोई वारंटी देगा नहीं, लेकिन इनके साउंड की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और बोट कंपनी की तरफ से यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से जो यहाँ पर वर्क करते हैं। अब हम इसको जो खोलते हैं फटाफट से, यहाँ पर आपको 2 कलर देखने को मिल जाएंगे, और एक जो सबसे पहला कलर है वो येलो देखने को मिलेगा, और एक ग्रे कलर आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह का जो ईयरफोन देखने को मिलता है। यहाँ पर अंदर आपको एक पैकेजिंग देखने को मिलती है जिसके ऊपर बोट लिखा हुआ है। अब इसको अंदर खोलते हैं हम, तो यहाँ पर आपको पहला कलर, यहाँ पर एक ग्रे कलर जो है देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरह का जो एक देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। रेड कलर में जो है यहाँ पर आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके का जो देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर मुझे एक बात अच्छी लगी कि कंपनी ने इसके ऊपर एक टिप्स दे के रखी, ताकि आपका ईयरफोन का जो जैक है ख़राब ना हो अगर आप ऐसे ही रखे रहते हो इसको। तो यहाँ पर आपको ईयरफोन के अंदर कुछ पैटर्न टाइप का जो देखने को मिलता है, आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का जो पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया से जो मुझे जो है लुभाता है लोगों को। और बोट की ब्रांडिंग यहाँ पर भी दी हुई है, आप देख पा रहे हो कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बोट की ब्रांडिंग दी हुई है जो कि कुछ इस तरीके के जो देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर इसके ईयरफोन के अंदर भी जो बोट लिखा हुआ है कुछ इस तरीके का जो देखने को मिलता है, आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि ब्लैक कलर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बोट की जो ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके में जो देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो इसका केबल का वायर वो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आपको केबल जो है इतना अच्छा देखने को मिलता है, जो कि आपको 1200 या 1500 रुपए के ईयरफोन्स के अंदर जो केबल देखने को मिलता है उस तरीके का जो यहाँ पर आपको केबल देखने को मिलता है। और 3.5 mm जैक के जो हेडफोन जैक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ आपको 10 nm का जो बेस बूस्ट ड्राइवर भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो बेस है इसका जो ट्रेवल है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जो वर्क करता है। अब हम इसके दूसरे कलर की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ पर आपको येलो कलर जो है देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके का है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और अंदर कुछ इस तरीके का जो कलर देखने को मिल जाता है जो कि येलो कलर है। और इसकी भी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया, यहाँ पर आपको ये 2 कलर ऑप्शन में जो है देखने को मिलने वाला है, जिसकी साउंड क्वालिटी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। यहाँ पर भी आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन जो है देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, पीछे ईयरफोन्स में भी आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ईयर टिप्स में जो पीला कलर है उसके साथ आपको पीले कलर की जो है ईयर टिप्स देखने को मिलती है, और जो रेड कलर है उसके साथ रेड कलर की जो है ईयर टिप्स जो है देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया से जो है आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और इसका वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मेरे पास, यहाँ पर यूबॉन के जो वायरलेस है जो कि 800 या 900 रुपए के जो देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके के, उसका जो वायर है और जो इसका वायर है वो काफ़ी
सेम टू सेम है जो कि काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर आपको हाथ में पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा ये फील देगा, एकदम रगेड फील यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड करता है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर ये अच्छे से जो वर्क करता है। और यहाँ पर इसके साउंड की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया जो है 10 NM का जो बेस बूस्ट ड्राइवर जो है देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वर्क करता है। यही बेस बूस्ट ड्राइवर आपको जो है रियलमी की ईयरफोन्स आते हैं जो कि 500-600 रुपये के आते हैं, उन्हीं में आपको जो है ये बेस बूस्ट ड्राइवर देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी आपको यही ड्राइवर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप सॉन्ग सुनते हो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कानों में आवाज़ जो है चुभ रही है या फिर ओवर एक्स्ट्रा वॉल्यूम आपको जो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगेगी, मैंने इनको जो सुन के देखा है तब जाके मैं आपको मैं बता रहा हूँ। मेरा छोटा वाला भाई भी इसका जो पीला कलर का जो ईयरफोन है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ कर रहा है, और उसको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला। अगर आप 2-3 घंटे तक के लगातार गाने भी सुनते हो तो आपको जो ये चुभेंगे नहीं कानों में, काफ़ी बढ़िया तरीके से जो ये वर्क करते हैं। तो कुछ इस तरीके के आपको बोट के ये प्लग इन टू द निर्वाणा वाले नेचर साउंड वाले जो ईयरफोन देखने को मिलते हैं, जो कि आपको बेसिकली नाम से समझ में आ जाएगा कि नेचर साउंड, एकदम प्योर साउंड आपको इसके अंदर जो देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली जो है ऑफलाइन स्टोर्स के लिए जो है निकाली है कंपनी ने, जो कि आपको कोई भी आपके आसपास के ऑफलाइन स्टोर में ये जो देखने को मिल जाएगा, ये आपको ऑनलाइन नहीं देखने को मिलेगा, ऑफलाइन ओनली ये है। तो आपके कोई भी आसपास के मार्केट में जाकर के इसको जो खरीद सकते हो। इसके जो वायर है इसके अंदर भी एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है, जो कि लाइनिंग वाला पैटर्न आपको देखने को मिलता है, आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको खरीदते हो तो आपको ज़रूर से आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको स्टीरियो साउंड देखने को मिलता है, स्टीरियो स्पीकर आपको यहाँ पर जो देखने को मिलता है, जिनकी साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है 300 रुपये के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका अभी हम गिव अवे कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपको यूबॉन के ईयरफोन्स देखने को मिलते थे, जिसकी भी साउंड क्वालिटी जो है एग्जैक्टली सेम टू सेम थी, क्योंकि उसके अंदर भी 10 NM का ड्राइवर आपको जो देखने को मिलता है। तो ये दूसरी कैटेगरी है जो कि आपको 300 रुपये के अंदर जो है काफ़ी बढ़िया जो है साउंड प्रोवाइड करा रही है बोट कंपनी की तरफ से, और दोनों ही कंपनी के ईयरफोन्स है। ये हमारा पार्ट टू है इस वीडियो का, जो कि आपको 300 रुपीज़ के अंदर ईयरफोन्स जो प्रोवाइड कराती है। तो काफ़ी अच्छी है मुझे ये ईयरफोन्स लगे और इनकी क्वालिटी लगी, खासकर इसका जो वायर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसके पहले जो मैंने रिव्यू किया था उसके यूबॉन के जो वायर है वो थोड़े से लूज टाइप के थे, इतने अच्छे वायर नहीं थे, लेकिन बोट के जो वायर है वो काफ़ी अच्छे आए और काफ़ी अच्छी क्वालिटी। यहाँ अगर आप यहाँ पर जो खिंचाता भी आपका ईयरफोन तो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर आपको रेड कलर के एक्सेंट में जो यहाँ पर इसका हेडफोन जो जैक जो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा जो साउंड प्रोवाइड कराता है। तो ये था हमारा बोट नेचर साउंड वाले ईयरफोन्स का एक फुल रिव्यू, जो कि आपको 300 रुपीज़ के सेगमेंट में जो देखने को मिल जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।